आज मेरे पास आ गया है बजाज कंपनी की तरफ से एस्टीम 400 mm वाला टेबल फैन, जिसको हम लोग अनबॉक्स करने वाले हैं, रिव्यू करने वाले हैं और बताने वाले हैं ये टेबल फैन कैसा है, आप लोग लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, इसमें कितना स्पीड मोड मिल जा रहा है, कितना स्पीड आ रहा है, कितना नॉइस आ रहा है, सारी चीज के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कृष्ण और आप देख रहे हैं देख रिव्यू यूट्यूब चैनल। तो चलो 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 चालू करते हैं। तो यहाँ पर ये बॉक्स आ गया है, सामने से आप लोग देखते हैं बजाज का ब्रांडिंग मिल जा रहा है, एस्टीम 400 लिखा गया और टेबल फैन यहाँ पे लिखा गया है। यहाँ पर आप लोग सारा डिटेल्स दिया गया, मॉडल नंबर और सारा डिटेल्स सब यहाँ पे दिया गया है। चलिए जल्दी से हम लोग इसको कट करते हैं और प्रोडक्ट को बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ से हम लोग कट कर लिए हैं और सारा चीज़ को बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं ये सारा पार्ट्स आ गया और हम लोग पास एक यूज़र मैनुअल भी आ जा रहा है, जहाँ पर आप लोग यूज़र मैनुअल मिल जा रहा है और वारंटी कार्ड दिया गया है। तो इस दोनों को हम लोग रखते हैं साइड में और यहाँ पे आप लोग सारा पार्ट्स आ जा रहा है, इसको हम लोग एक एक करके असेंबल कर लेते हैं। सबसे पहले आप लोग पास जो ये बेस है, इसको आप लोग को नीचे में रख देना है और इसके ऊपर देखिएगा यहाँ पे आप लोग को बेस में 3 रबर ग्रिप दिया गया है, उसको आप लोग लगा लेना है। तो 2 मैं लगा लिया हूँ और ये लास्ट वाला यहाँ पे ऊपर में लगा दे रहा हूँ। तो ऐसे करके आप लोग को 3 रबर ग्रिप पहले लगा देना है। फिर नीचे में देखिएगा आप लोगों को 2 स्क्रू दिया गया है, इस दोनों को आप लोग खोल लेना है। इसके ऊपर जो टेप लगाया गया है उसको बाहर निकलेगा तो आप लोग दोनों स्क्रू बाहर आ जाएगा। फिर आप लोगों को क्या करना है, इसके ऊपर जो मेन बॉडी है ये वाला, इसको रखना है। स्क्रू को मैं रखता हूँ साइड में और मेन बॉडी को मैं यहाँ पे बैठा लेता हूँ। ऐसे करके आप लोग को यहाँ पे बैठा लेना है अच्छे तरीके से। बैठाने के बाद आप लोग को इसके पीछे में आप लोग दोनों स्क्रू को अच्छे तरीके से टाइट कर देना है। तो जहाँ से हमने स्क्रू निकाले हैं उसको वहाँ पे डालना है ऐसे करके, और दूसरे को भी ऐसे डाल देना है। अच्छे तरीके से इसे टाइट कर दिएगा तो ये अच्छे तरीके से फिक्स हो जाएगा, बेस के साथ एकदम अटैच हो जाएगा। तो इस टाइप से आप लोग अटैच कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग जो नॉब रहता है इसको टर्न करने वाला, वो भी आप लोग को लगेगा पहले मिसिंग है या हरा गया है ऐसे टाइप का कुछ है, लेकिन यहाँ पे आप लोग नीचे में देखिएगा नॉब अलग से दिया गया है। इस नॉब को ऊपर में आप लोग को लगा लेना है ऐसे करके, पुश करके लगा लेना है, तो बस ऐसे काम करना चालू हो जाएगा। तो ये नॉब भी आप लोग को अलग से दिया गया है, सब कुछ आप लोग को असेंबल कर लेना है। तो इस टाइप से आप लोग का ये बेस रेडी हो गया, मेन बॉडी रेडी हो गया है। अब हम लोग इस पर ब्लेड लगाने वाले हैं। तो इसे जो सामने का आप लोग कैप है उसको आप लोग खोल लीजिए। उसके बाद आप लोग ये बैक ग्रिल दिया गया है, इस पर आप लोग देखिएगा एक क्लिप लगाया गया है, उसको आप लोग ऐसे करके बाहर निकाल लेना है, ये ब्लैक कलर वाला क्लिप। उसके बाद आप लोग को ये बैक ग्रिल लगाना है। बैक ग्रिल लगाने से पहले आप लोग को इसको ओपन कर लेना है। ये ओपन कर लीजिएगा, उसके बाद आप लोग को ये बैक ग्रिल को लगाना है। बैक ग्रिल लगाने से पहले आप लोग ये देख लीजिएगा जो हैंडल है ये ऊपर की तरफ होना चाहिए ताकि आप लोग को इसको उठाने में ईजी रहे, और यहाँ पे आप लोग अच्छे तरीके से इसको कुछ इस तरह से आप लोग यहाँ पे फिक्स कर देना है। फिक्स करने के बाद ये जो आप लोग यहाँ पे टाइट करने वाला दिया गया है इसको वो डाल के आप लोग को इसे टाइट कर देना है। टर्न कीजिए और ये टाइट हो जाएगा, अच्छे से टाइट कर दिएगा वरना ये हिलेगा तो आवाज़ करेगा। तो इस तरह से आप लोग टाइट कर देना है। उसके बाद जो आप लोग ये ब्लेड दिया गया है वो यहाँ पे आप लोग फिक्स कर देना है। फिक्स करने के बाद ये जो आप लोग नॉब है ये आप लोग टाइट कर देना है, ये भी आप लोग अच्छे तरीके से टाइट कर दीजिएगा। तो ये हो गया, हम लोग का हाफ कम्प्लीट हो गया है। अब सामने का जो ग्रिल है वो लगाना है, बस हम लोग काम कम्प्लीट हो जाएगा। सामने की तरफ जो ग्रिल है उस पर आप लोग बजाज का ब्रांडिंग दिया गया है, ये आप लोग सीधा कर लीजिएगा। बजाज का ब्रांडिंग सीधा करके आप लोग को ऐसे करके लगा लेना है। इसके लिए आप लोग को ये क्लिप दिया गया है जिसको आप लोग को इस पर लगाना पड़ेगा, इसको जल्दी से मैं फिक्स कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग अच्छे तरीके से इसको फिक्स कर लिए हैं, ऊपर में रख के हुआ नहीं, मैं सुला के अच्छे तरीके से स्क्रू टाइट करके ये सामने का ग्रिल फिक्स कर लिया हूँ। तो इस टाइप से आप लोग को सारा कुछ असेंबल कर लेना है। और इसमें आप लोग काफ़ी लंबा वायर दिया गया है और आप लोग 2-पिन प्लग मिल जा रहा है, इसको हम लोग पावर सप्लाई से कनेक्ट करते हैं और देखते हैं किस टाइप का हवा दे रहा है और किस टाइप का नॉइज़ वगैरह आता है। तो बस ऐसे करके हम लोग यहाँ पर फिक्स कर लिए हैं। यहाँ पर जो नॉब दिया गया है इससे आप लोग नीचे कर सकते हैं और ऊपर कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक नॉब दिया गया है पीछे की तरफ यहाँ साइड में, इसको आप लोग ढीला करके टाइट करके आप लोग चेंज कर सकते हैं। इसे ऊपर करना है, ऊपर करके आप लोग इसको टाइट कर दीजिए और ये ऊपर ही रहेगा। तो इस नॉब को फिर से नीचे करना है तो आप लोग इसको हल्का ढीला करके नीचे करके फिर टाइट कर सकते हैं, जिस एंगल में रखना है वो कर सकते हैं। और इस तरफ पे आप लोग को ये दिया गया है नॉब, इसको आप लोग ऊपर टान सकते हैं और नीचे कर सकते हैं ताकि ये ऐसे करके गोल गोल घूरता है वो ऑन ऑफ हो। तो इस टाइप का आप लोग को यहाँ पर दिया गया है। और सामने की तरफ से आप लोग को 4 स्विच मिल जा रहा है, पहला है 0 जो कि ऑफ रहेगा, फिर है 1 जो कि आप लोग इससे ऐसे करके पंखा का हवा आ रहा है,
किया है जो कि आप लोग देख सकते हैं इस टाइप का आप लोग को हवा दे रहा है। फिर मेरे पास यहाँ पे टू आ जा रहा है और थ्री इसका मैक्सिमम स्पीड है। तो कुछ इस टाइप से आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हवा दे रहा है और साउंड आ रहा है। तो काफ़ी स्वीट सा हवा है यहाँ पे आप लोग को 1, 2, 3 का आप लोग को स्पीड मोड मिल जा रहा है। और इसका फैन का जो पीछे में नॉब दिया गया है उसको यदि आप लोग पुश कर देते हैं तो ये चारों तरफ घूर घूर के हवा देगा। यानी कि मल्टीपल आदमी बैठे हुए हैं तो आप लोग इसको ऑन कर सकते हैं और ये देखते हैं ऐसे घूर घूर के सात तरफ हवा देगा। तो ये देखते हैं इस टाइप से आप लोग ये काम करते हैं। जैसा आप लोग बेसिक सा टेबल फैन होता है उसी टाइप का है और आप लोग काफ़ी अच्छा कूलिंग कर देते हैं। तो ओवरऑल ये फ़ैन के बारे में बात करें तो ये फ़ैन काफ़ी कमाल का है, काफ़ी अच्छा कूलिंग दे देता है। 1, 2 और 3 आप लोग स्पीड मोड मिल जा रहा है जो कि आप लोग को अच्छा कूलिंग दे देता है वाइट कलर में, जो कि देखने में भी काफ़ी प्रीमियम लगता है। तो ओवरऑल ये फ़ैन काफ़ी कमाल का है। तो आप लोग यदि परचेस करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप लोग परचेस कर सकते हैं। बेस्ट बाय लिंक हमेशा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। यदि आप लोग इसको परचेस करना चाहते हैं तो आप लोग फ्लिपकार्ट से परचेस कर सकते हैं, जहाँ पे इसका दाम है 1939 रुपीज़। ये दाम है जिस टाइम में मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, डिफरेंट टाइम में डिफरेंट दाम रहता है, लेकिन जनरली इसका प्राइस 2000 के करीब रहता है। और ऑफर और डिस्काउंट के लिए आप लोग टेलीग्राम ब्रॉडकास्ट ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ब्रॉडकास्ट का लिंक दे दिया हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो टेलीग्राम ब्रॉडकास्ट का लिंक दिया हूँ उसमें यदि आप लोग ज्वाइन कर लेते हैं तो आप लोग लेटेस्ट ऑफर डिस्काउंट जो भी आएगा आप लोग को नोटिफिकेशन में दे दूंगा। जनरली ये 2000 रुपीज़ के रेंज में मिलता है, जिसका मैं बेस्ट बाय लिंक हमेशा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, वहाँ से जाकर आप लोग परचेस कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आज का ये इंटरेस्टिंग सा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो आप लोग लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।